साथियों नमस्कार। जिस तरह से लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस समय प्रतापगढ़ के विधानसभा बाबागंज में हैं। विधानसभा बाबागंज में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील गौतम जी हैं और आज उपस्थित हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है उनके क्षेत्र में और बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर बताइए क्या माहौल चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का आपके यहाँ? सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बायन कुमारी मायावती जी को बाबागंज विधानसभा साथ में पूरे प्रतापगढ़ की तरफ से बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ता को, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी का 4 साल जिला अध्यक्ष रहा हूं, इस समय मुख्य सेक्टर प्रभारी हूं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिला पंचायत सदस्य भी हूं। मैं बाबागंज विधानसभा के साथ साथ पूरे जनपद में 2005 से रेगुलर काम किया हूँ। 2007 वाले चुनाव में आदरणीय चंद्रा जी कमिश्नर साहब चुनाव लड़े थे, उसमें पूरा चुनाव हमें लोग मतलब देखे थे पूरा विधानसभा का, तो उस समय हम लोग 7000 वोट से माइनस हुए थे। अभी जो पूरा विधानसभा है, सर्व समाज के लोग पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, पूरे समाज की तरफ से एकदम से पूरी तरीके से सपोर्ट है। हम लोग चुनाव को जीतेंगे और पूरी तरीके से हम लोग घर घर पूरा हर गाँव में जाकर घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम सभी चुनाव को लेकर मुद्दा क्या है आपका? जो मुद्दा बहन कुमारी मायावती जी की 4-4 बार सरकार रही है और जो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा काम किया गया है उत्तर प्रदेश में, वो पूरा यूपी जानता है। लाइन आर्डर को के बारे में जानता है, जो बेरोजगार हैं उनके बारे में जानता है। बहन कुमारी मायावती जी बैकलाग भर्तियाँ की और जितनी वैकेंसी खाली थी उनको सब भरी। हर तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के जो भी शासनकाल में काम हुए हैं, हम लोगों को बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से बुकलेट भी दी गई है, हम लोग जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी कोई वादा नहीं करती हैं, कोई घोषणा पत्र नहीं देती हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं और ये बाबागंज चाहे हो, चाहे पूरा जनपद हो, पूरा प्रदेश हो, बहन कुमारी मायावती जी के काम को जानता है और वो पूरा भरोसा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार जिस तरह से बहुजन भारतीय जनता पार्टी के लोग में भगदड़ मची है, क्या कहेंगे? वो तो तय है भगदड़, अभी भाजपा में भगदड़ मची है, अभी थोड़ी देर बाद ये टिकट क्लियर होने दीजिए, सपा में भगदड़ मचेगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 2-4% को छोड़ कर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के टिकट सारे फाइनल हो चुके हैं, उसमें किसी प्रकार और सारे नेता जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं। हम लोग मीडिया का सहारा कम लेते हैं क्योंकि ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। हम लोग गांव-गांव में जाके अभी देख रहे हैं, मनगढ़ का ये ग्राम सभा है, हम लोग एक एक घर जाके मतलब जनसंपर्क किए हैं, पूरी तरीके से एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां पे ना गए हों। बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये राजा भैया का इलाका है, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं दिखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, अभी हम जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जीते हैं बिहार चतुर्थ से। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, राजा भैया अपना काम करते हैं, उनकी अपनी पार्टी है जनसत्ता पार्टी, हम लोगों की बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग अपनी पार्टी का काम करते हैं, वो अलग पार्टी, हम लोगों की अलग पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई किसी ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ऐसा कोई दिक्कत। चुनाव को लेकर जिस तरह से अगर जीत जाते हैं तो क्या रोल रहेगा समाज में आपका? रोल है सब समाज के बीच में जा रहे हैं हम लोग, रोड है, नाली नहीं है, हाँ तमाम समस्याएं हम लोग जाके यहीं पैदा हुए, यहीं देख रहे हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो कोई चीज़ हम लोगों से बची नहीं है। जो भी समस्याएं हैं, जो नहीं हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, सर्व समाज में जो चीज़ की आवश्यकता है उसको पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। इस तरह से आप लोग लगातार देख रहे थे, हमारे साथ में सुशील गौतम जी थे जो बाबागंज विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत हुई और